नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देख रहे हैं प्राचीन दिव्य ज्ञान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। इस व्रत को ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से अमावस्या तक किया जाता है, अथवा पूर्णिमा तक भी कई स्थानों पर इसको किए जाने का विधान है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को बड़ सायत अमावस्या के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन बड़ या बरगद के पेड़ की पूजा भी की जाती है। रोली, मोली, चावल, गुड़, भीगा हुआ चना, फूल और सूत जल मिलाकर बड़ के ऊपर लपेटते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर भी इस दिन पहनने का रिवाज है। इसके साथ साथ बड़ सायद अमावस्या की कहानी कही और सुनी जाती है। भीगे हुए चनों में सामर्थ्य अनुसार पैसे रखकर सीधा निकाला जाता है, फिर हाथ फेरकर सास के पैर छूकर सीधा दिया जाता है। अब हम शुरू करते हैं वट सावित्री व्रत की कहानी। भद्र देश में अशोकपति नाम का एक राजा राज्य किया करता था। राजा के कोई संतान नहीं थी। एक बार उसने बड़े बड़े पंडितों को घर बुलाया और कहा, मुझे कोई संतान नहीं है, इसलिए आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे घर संतान प्राप्ति हो। वो पंडित बोले, हे राजन, आपकी कुंडली में एक पुत्री का योग है जो कि 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। अब राजा ने बहुत हवन यज्ञ आदि कराए। यज्ञ और होम करने से राजा की पत्नी गर्भवती हुई। तो पंडितों ने फिर कहा, जिस दिन ये 12 वर्ष की हो जाएगी उसी दिन इसके विधवा होने का योग भी बन रहा है। पंडितों ने राजा को सलाह दी कि आप अपनी बेटी से पार्वती जी की बड़ सायत अमावस्या की पूजा नियमित रूप से करवाना। राजा को कन्या की प्राप्ति हुई और राजा ने अपनी कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान से करा दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, वह उनकी बहुत सेवा करती। सत्यवान जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाया करता। सावित्री को पता था कि जिस दिन वो 12 वर्ष की होगी उसी दिन उसके पति की मृत्यु निश्चित है। जिस दिन वो 12 वर्ष की हुई उस दिन पति से हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा, यदि आप मेरे साथ चलोगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो मैं तुझे साथ जरूर लेकर जाऊंगा। फिर सावित्री अपने सास ससुर के पास आई और बोली, यदि आप कहें तो आज मैं जंगल देखने इनके साथ चली जाऊं। तो उसके सास ससुर ने सावित्री को अपने पति के साथ जंगल में जाने की इजाजत दे दी। जंगल में जाने के बाद सावित्री लकड़ी काटने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में एक सांप रहा करता था और उसने सत्यवान को डस लिया। सावित्री मृत सत्यवान को देखकर उसका सिर गोद में रखकर रोने लगी। इतने में ही महादेव जी और पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे। उनकी नजर जब सावित्री पर पड़ी तो पूछा कि हे पुत्री, आप रो क्यों रही हो? सावित्री ने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए और बोली, हे भगवान, आप मेरे पति को जीवन दान दे दो। वे बोले कि आज बड़ सायत अमावस्या का दिन है, यदि तुम पूजा करोगी तो तुम्हारे पति को जीवन दान मिल सकता है। यह सुनकर सावित्री ने बड़े ही प्रेम भाव से बड़ अमावस्या की पूजा की। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहने और देखते ही देखते वो गहने हीरे मोती में बदल गए। कुछ ही समय में धर्मराजी का दूत वहां आया और सत्यवान को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए तो धर्मराजी बोले कि तू वरदान मांग ले। सावित्री ने कहा कि मेरे माता पिता के पुत्र नहीं हैं, आप उन्हें पुत्रवान हो जाने का वरदान दीजिए। धर्मराज जी बोले, सत्य वचन। फिर बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में प्रकाश भर दीजिए। धर्मराज जी बोले, तथास्तु, लेकिन
सावित्री ने धर्मराज जी का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज जी ने कहा, अब तुझे और क्या चाहिए बेटी? सावित्री ने कहा, हे धर्मराज जी, आप मुझे 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। धर्मराज जी बोले, तथास्तु। फिर सत्यवान को ले जाने लगे तो सावित्री ने कहा, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो मुझे पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज जी ने कहा, हे सती, तुझे सुहाग सुख नहीं था, लेकिन बड़ शायद अमावस्या का व्रत करके और माँ पार्वती की पूजा करके आपने बहुत अच्छा किया। अब आपके पति को जीवन दान मिल जाएगा। ऐसा कहकर धर्मराज जी सावित्री के पति को जीवन दान देते हैं। दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को बड़ के पेड़ की पूजा करता है, व्रत रखता है, बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहनता है और विधि विधान से पूजा करता है, तो उसके समस्त पाप कर्मों का नाश हो जाता है। अगर किसी के मन में कोई कामना है, संकल्प है, तो वो करके अगर कोई बड़ शायद अमावस्या का व्रत रखता है और साथ ही साथ ये कहता है, हे महाराज, जैसे बड़ शायद अमावस्या ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबके सुहाग की रक्षा करना और इसके साथ साथ सबकी मनोकामना पूर्ण करना, ये कहकर अगर कोई व्रत करता है तो उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही होती है। इसके साथ साथ इस कहानी को जो भी व्यक्ति सुनता है उसकी मनोकामना भी पूरी होती है। बड़ शायद अमावस्या को वट सावित्री या वट अमावस अथवा बड़ अमावस भी कहा जाता है। इसको करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और समस्त पाप कर्मों का नाश हो जाता है। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नित्य नियम से सुनी जाने वाली धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार की एक बेटी भी थी। वो हर रोज पीपल सींचने जाया करती थी। अब पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी निवास करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी बहन बन जाओ। तब लड़की ने कहा, मैं कल आपको घर पर पूछकर बताऊंगी। साहूकार की बेटी घर जाकर अपने पिता से पूछती है, पिताजी, मैं जब पीपल सींचने जाती हूँ तो पीपल से लक्ष्मी जी प्रकट होकर बोलती है कि आप मेरी बहन बन जाओ। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। तब उसके पापा ने कहा, बेटी, अगर आपको लक्ष्मी जी बहन बनाने जा रही है तो फिर और आपको क्या चाहिए। दूसरे दिन वो लड़की पीपल सींचने जाती है। तब पीपल में से माँ लक्ष्मी जी फिर प्रकट होती है और बोलती है, आप मेरी बहन बन जाओ। तब लड़की ने कहा, बन जाऊंगी आपकी बहन, वैसे भी मेरी कोई और बहन तो है नहीं, मैं आपको बहन बना लूंगी तो अच्छा ही होगा। ऐसा कहकर साहूकार की लड़की माँ लक्ष्मी जी की बहन बन जाती है। अब लक्ष्मी जी साहूकार की लड़की को भोजन के लिए न्योता देती है। घर आकर लड़की माँ पिताजी से कहती है, माँ, आज लक्ष्मी बहन ने मुझे खाने के लिए बुलाया है। तब साहूकार अपनी बेटी से कहता है, चले जाना बेटी, लेकिन जाना थोड़ा संभल कर। फिर वो लड़की लक्ष्मी जी के घर खाना खाने चली जाती है। लक्ष्मी जी उसकी अच्छे से आव भक्त करती है। सोने की चौकी पर थाली में 36 प्रकार के भोजन परोसती है। वो लड़की खाना खाकर जब लक्ष्मी जी के घर से विदा होती है तो बहुत सारा धन देकर विदा करती है माँ लक्ष्मी जी। अब लक्ष्मी जी उससे कहने लगती है कि बहन, आप ही मुझे खाने के लिए अपने घर बुलाना, मैं आपके घर खाना खाने जरूर आऊंगी। अब वो लड़की सोच में पड़ जाती है। घर जाकर चुपचाप बैठ जाती है। अपने पिता से कहती है कि पिताजी, लक्ष्मी जी ने मुझे कहा है कि आप भी मुझे खाने के लिए घर बुलाना। अब पिताजी, हमारे घर में इतना धन तो है नहीं, हम लक्ष्मी जी की आव भक्त कैसे करेंगे, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा,
बेटी, गोबर और पीली मिट्टी का घर में चौका लगा लेना और अच्छे से साफ सफाई कर लेना। उस चौके के ऊपर चार मुख वाला दिया जलाकर फिर आप लक्ष्मी जी को घर बुला लेना। लड़की ने अपने पिताजी के कहे अनुसार वैसा ही किया और बाजार से थोड़े से लड्डू लेकर आ गई। उसी समय नगर की रानी नहा रही थी। उसका नौ लखा हार एक चील लेकर उड़ जाती है। जब वो चील उस लड़की के घर के ऊपर से जा रही होती है तो वो हार उसके मुख से छूटकर लड़की के घर में गिर जाता है। हार लेकर लड़की बाजार जाती है। सुनार के पास जाकर सोने की चौकी और सोने का थाल लेकर आती है अपनी बहन लक्ष्मी जी के लिए, और लाल चुनरी और कुछ पूजन सामग्री भी लेकर आती है। अब घर आकर 36 प्रकार के भोजन तैयार करती है और लक्ष्मी जी को बुलावा भेजती है। अब आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी उनके घर चले आते हैं। फिर चौकी पर उसने आसन लगाया और अपनी बहन लक्ष्मी जी को बैठने के लिए बोला। तब लक्ष्मी ने कहा, मैं इस चौकी पर भला कैसे विराजमान हो सकती हूँ? मैं कभी किसी राजा महाराजा के घर भी ऐसी चौकी पर नहीं बैठी हूँ। किसी के घर भी मैंने ऐसा नहीं देखा है। तब उसने कहा, मेरे यहाँ तो आपको बैठना ही पड़ेगा, फिर आप मेरी मुंह बोली बहन भी हो। अब तो मेरे कहने पर चौकी पर बैठ जाओ। तब लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के कहने पर चौकी पर बैठ जाती है। लक्ष्मी जी उसकी आवभगत से बहुत खुश होती है। अब माँ लक्ष्मी जी के प्रसन्न होने से उस साहूकार के घर अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती है। घर धन भंडार भर जाते हैं और लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उसके घर में बहुत सारा धन धान्य हो जाता है। जैसा फल पीपल सींचने पर साहूकार की बेटी को दिया, हे माँ लक्ष्मी जी वैसा फल आपकी कथा कहते और सुनते सबको देना। दोस्तों, लक्ष्मी जी की बैठी हुई तस्वीर अपने घर में लानी चाहिए। आप जब भी अपने घर में पूजन करें तो माता रानी की बैठी हुई तस्वीर अपने घर में लेकर आएं और इसके साथ साथ गणेश जी की तस्वीर भी आप अपने घर जरूर लेकर आएं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे पीपल पतवारे की कहानी, पीपल सींचने की कहानी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वो अपनी बहू के साथ रहा करती थी और दूध और दही बेचने का काम किया करती थी। वो घर से दूध और दही लेकर जाती और बेचकर आ जाती। एक दिन बुढ़िया की बहू जब दही बेचने गई, दूध बेचने गई, तो रास्ते में बहुत सारी औरतें पीपल पतवारी छींच रही थी। उनको छींचता हुआ देखकर बहू ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम तो पीपल पतवारी की पूजा कर रहे हैं, इससे अन्न धन में बढ़ोतरी होती है। अगर किसी का पति बिछड़ जाता है, विदेश गया है, तो वो लौटकर जरूर आता है। इस कहानी को कहने और सुनने से बहुत ज्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो उन औरतों की बात सुनकर वो बहू बोली, अगर ऐसी बात है तो आप तो इसे पानी से सींच रही हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी की बहू रोजाना दूध दही बेचने जाया करती थी, लेकिन जिस दिन पीपल पतवारी सींचना शुरू किया था, उस दिन से वो दही बेचने नहीं जाती थी। वो रोजाना दूध और दही ले आती थी घर से। दूध को पीपल में और दही को पतवारी में सींचकर घर वापस चली जाती थी। सास दूध और दही के पैसे मांगती तो कहती, माँ जी महीना पूरा हो जाने दो, फिर ला कर दूंगी। इतने में ही महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठी हो? तो बहू ने कहा कि आज मेरी सास मेरे से दूध और दही का दाम मांगेगी, पर मैंने तो सारा दूध और दही आपको सींचा है, अब मैं घर पे दाम कैसे दूंगी? तब पीपल और पतवारी बोली, बेटी हमारे पास दाम थोड़ी रखा है, हमारे पास तो ये घास फूस है, इसकी पोटली बनाकर आप अपने घर ले जाओ,
बुढ़िया की बहू बहुत भोली थी। अब पीपल और पथवारी के कहे अनुसार बुढ़िया की बहू उस घास फूस कचरे की पोटली बनाकर घर ले जाती है और घर जाकर कोठरी में डाल देती है। अब सास ने जब दाम मांगे तो बहू बोली, सासू माँ कोठरी में रखे हैं, जाकर ले लो। अब सास जाकर जब कोठरी खोलती है तो देखती है कि हीरे मोती से जगमगा रही थी वो कोठरी। सासू बोली, बहू इतना धन आप कहाँ से लेकर आई हो? तब बहू ने आकर देखा तो वो कोठरी हीरे पन्ने से जगमगा रही थी। बहू ने सास को फिर सारी बात बताई। अब सास के मन में लालच आ गया। सास बहू से बोली, अगर ऐसी बात है तो आज से मैं भी पीपल और पथवारी की पूजा करने जरूर जाऊंगी। अब सास बहू की तरह हर रोज पीपल और पथवारी की पूजा करने जाया करती। पर सास बहुत कंजूस थी, दूध और दही तो दुकान पर जाकर बेच आती और हांडी धोकर पानी पीपल और पथवारी में डाल आती। अब महीना पूरा होने को आया तो सास अपनी बहू से बोली, बहू जैसे मैंने आपसे दूध और दही के दाम मांगे थे वैसे ही आप भी मुझसे मांगना। बहू बोली, सासू जी मैं भला ऐसा कैसे कर सकती हूँ? फिर सास ने जब जिद किया तो बहू की एक ना चली। अब बहू सास से कहती है, सासू माँ दूध और दही का दाम लाकर मुझे दो। अब सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ जाती है अपनी बहू की तरह ही। पीपल पथवारी ने सास को कहा, हे बुढ़िया यहाँ क्यों बैठे हो? तो बूढ़ी माई बोली, मेरी बहू मुझसे दूध और दही के दाम मांग रही है, अब मैं कहाँ से लाकर दूँ? तो पीपल और पथवारी ने कहा, हमारे पास तो इस घास फूस के अलावा कुछ नहीं है। अब सास ने भी अपनी बहू की तरह ही घास फूस की पोटली बनाकर घर ले आती है और लाकर कोठरी में डाल देती है। अब बहू जाकर कोठरी खोलती है तो देखती क्या है कि हीरे पन्ने की जगह वो कोठरी कीड़े मकोड़े से भरी पड़ी होती है। तब बहू अपनी सास से कहती है, माँ जी ये कैसे हुआ? इतने में गांव की कुछ औरतें भी आ जाती हैं उनके घर और ये सब देखकर हैरान रह जाती है। फिर गांव की सभी औरतें उस बुढ़िया से बोलती है, आपकी बहू ने तो पीपल और पथवारी की पूजा तन से की थी, मन से की थी और आपने धन के भूखे पीपल और पथवारी की पूजा की है। फिर सास को अपने किए पर पछतावा होता है और पीपल और पथवारी माता से जाकर माफी मांगती है। हे पथवारी माता, हे पीपल देवता, जैसा फल आपने बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा फल आपने सास को दिया वैसा किसी को नहीं देना। बोलिए पीपल पथवारी की जय, माता सीता की नित्य नियम की कहानी। दोस्तों, माता सीता ने नित नेम की कहानी सुनने का नियम ले रखा था। माता सीता कहानी को कहती और श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन राम जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो माता सीता कहने लगी, सुनिए जी मेरा तो 12 वर्ष का नित नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं कहानी किसे सुनाऊंगी? तो श्री राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आए उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता अगले दिन कहानी सुनने के लिए कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। वहां एक औरत पानी भरने आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और अपने सिर पर सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है, बहन मैंने 12 वर्ष का नित नेम ले रखा है, आप मेरी नित नेम की कहानी सुन लो। वो औरत बोली, यदि मैं तुम्हारी नित नेम की कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे लड़ेगी। ऐसा कहकर वो औरत वहां से सीधे ही चली जाती है, माता सीता के नित नेम की कहानी नहीं सुनती है। फिर माता सीता के श्राप से
उस औरत की रेशम की जरी की साड़ी फट जाती है और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में तब्दील हो जाता है। जब बहू घर गई तो सास ने पूछा, बहू आज ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई हो? तो बहू ने कहा कि कुएं की पाल पर एक औरत बैठी थी, उसने मुझे कहानी सुनने को कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद ये उसी का श्राप मुझे लगा है। बहू की बात सुनकर उस बहू की सास वही फटी साड़ी पहनकर और मिट्टी का घड़ा लेकर उस कुएं की पाल पर जाती है पानी भरने। जब वो पानी भरने जाती है तो कुएं पर बैठी औरत बोलती है कि मेरी कहानी सुन लीजिए। तो उस बहू की सास बोली, हाँ बहन सुना दीजिए कहानी, मैं जरूर सुनूंगी आपकी कहानी। तब सीता माता अपनी कहानी की शुरुआत करती है। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, श्री राम, जय जय राम राम, श्री राम, जय जय राम राम। उस बहू की सास कहानी सुनकर बोली, बहन आपने कहानी तो बहुत अच्छी सुनाई है। कहानी सुनकर फिर वो घर चली जाती है। जैसे ही घर पहुंचती है तो उसकी फटी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन जाती है और मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल जाता है। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू तू तो दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। फिर बहू ने अपनी सास से पूछा कि वो कुएं वाली औरत कौन थी माँ जी? तब सास बोली, बहू वो कोई और नहीं थी बल्कि साक्षात सीता माँ थी। वे पुराने को नया कर देती है, खाले घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और किसी भी मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। तो बहू बोली, माँ जी ऐसा क्या करती है वो औरत? तो उसकी सास बोली, बहू माता सीता नित नेम की कहानी कहती है और उस कहानी को सुनने वाले की हर एक इच्छा की पूर्ति होती है। तब बहू अपनी सास से बोली, ठीक है माँ जी यदि ऐसा है तो आप मुझे भी सुना दीजिए कहानी। फिर सास अपनी बहू से कहती है, बहू अब से हम हर रोज नित नेम की कहानी सुनने का नियम लेते हैं, हम हर रोज नित नेम की माता सीता की कहानी सुना करेंगे। तब सास बहू अगले ही दिन से नित नेम की कहानी की शुरुआत करती है। सुबह जल्दी उठकर नहाती धोती है, पूजा पाठ करने के बाद माता सीता की नित नेम की कहानी कहने लगती है, हर रोज उनका नियम बन जाता है। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसी आती है और बोलती है, बहन जरा सी आंच दे दीजिए। तब वो सास बहू बोली, हमारे घर में तो अभी चूल्हा जलाया ही नहीं है, आपको आंच हम कहाँ से दें? तब पड़ोसी कहने लगती है कि आप सास बहू सुबह 4 बजे उठती हो तो फिर करती क्या हो? तब उन्होंने कहा, हम सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं, फिर माता सीता के नित नेम की कहानी सुनते हैं। तब पड़ोसी ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से क्या फल मिलता है? तो वो बोली, इस कहानी को कहने से घर भंडार भर जाते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं और मन की इच्छा पूरी होती है। तब वो पड़ोसी कहती है, बहन अगर ऐसी बात है तो ये कहानी आप मुझे भी सुना दो फिर। तो वो सास बहू बोली, ठीक है कल से आप भी कहानी सुनने आ जाना। फिर सास बहू और पड़ोसी तीनों माता सीता की नितनेम की कहानी सुनने लगती है।
राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूद के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, श्री राम, जय जय राम राम, श्री राम, जय जय राम राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगती है, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसिन भी नितनेम से माता सीता की कहानी सुनने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने उस पड़ोसिन के भी घर धन भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा का प्रचलन चल पड़ा। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। अब सारे गांव की औरतें सुबह नहा धोकर माता सीता के नितनेम की कहानी सुनने उस कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती और हर रोज कहानी सुनकर घर आती। इसी प्रकार माता सीता ने अपने आशीर्वाद से उस नगरी को सोने की बना दी और सबके खाली घर भंडार भर दिए। बोलिए माता सीता की जय। हे सीता माँ, जैसे आपने उन सबके घर धन भंडार भरे, वैसे ही आपकी कहानी कहने और सुनने वाले सबकी रक्षा करना, सबके धन भंडार भरना और सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलिए सीता माता की जय। ज्येष्ठ मास की गणेश जी की कथा। प्राचीन समय में पृथ्वी पर पृथु नामक एक राजा राज्य किया करता था। उसके राज्य में जयदेव नामक एक ब्राह्मण भी रहा करता था। उस ब्राह्मण के चार पुत्र थे और चारों का विवाह हो चुका था। सबसे बड़ी बहू थी, वो गणेश जी का व्रत करना चाहती थी। इसलिए बहू ने अपनी सास से गणेश जी का व्रत करने की आज्ञा मांगी, लेकिन सास बड़ी घमंडी थी। सास ने मना कर दिया। जब भी बहू अपनी बात सास से कहती तो वो मना कर देती। इससे उस बुढ़िया की बहू बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। मन ही मन बहू अपने दुख गणेश जी भगवान को कहा करती थी, सुनाया करती थी। बड़ी बहू का एक लड़का भी था, उसकी उम्र विवाह योग्य हो चुकी थी। अब गणेश जी बुढ़िया से अप्रसन्न थे, क्योंकि बुढ़िया बहू पर अत्याचार कर रही थी। इसलिए गणेश जी ने अप्रसन्न होकर बुढ़िया के पोते को चुरा लिया, जिससे घर में उदासी छाने लगी। अब बड़ी बहू ने एक बार फिर अपनी सास से विनती की, माँ जी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं गणेश जी का व्रत रख लेती हूँ। हो सकता है गणेश जी प्रसन्न होकर हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसा दे और हमारा बेटा जल्द ही घर वापस लौट आए। दोस्तों, अपने घर के पोते पोती भले किसको पसंद नहीं होते, और बुजुर्गों का मोह तो घर के बच्चों पर अधिक होता है। इसलिए अब बुढ़िया अपनी बहू को मना भी नहीं कर पाई, क्योंकि वो अपने पोते के वियोग में बहुत ज्यादा दुखी थी। अब बहू को बुढ़िया ने गणेश जी का व्रत करने की आज्ञा दे दी। जैसे ही बहू गणेश चतुर्थी का व्रत रखती है, गणेश जी प्रसन्न होकर उनके घर ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं और सास बहू दोनों मिलकर उस ब्राह्मण को बहुत ज्यादा प्रेम भाव से भोजन कराती है, रसोई कराती है। फिर गणेश जी उनकी पूजा पाठ से इतने ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि गणेश जी के आशीर्वाद से बड़ी बहू का पुत्र था वो घर वापस लौट जाता है और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों, अगर कोई भक्तजन ज्येष्ठ मास में गणेश जी की कथा का श्रवण करता है या गणेश चतुर्थी का व्रत करता है तो गणेश जी के आशीर्वाद से उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती है और गणेश जी अपना आशीर्वाद बरसाते हैं।
दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।